स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हम बात कर रहे हैं खाचरोद के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय पटेल की, जिन्होंने आज महाशिवरात्रि पर्व पर 20 रुपए की पर्ची बनाकर आम नागरिकों को इलाज की बात कही। यूं तो डॉक्टर संजय पटेल ने कोरोना जैसी महामारी में खाचरोद और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को सेवा देकर अपने आप को खाचरोद नगर में स्थापित किया है। जो हालात उनके आने से पहले थे, वही हॉस्पिटल को आज तहसील का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें खाचरोद वासियों का सहयोग भी उन्हें हमेशा मिला। बता दें कि सभी स्टाफ का सहयोग डॉक्टर पटेल को मिलता रहा है। इस बीच डॉक्टर संजय पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध किया है कि जो भी सेवा देना चाहे, जैसे गोली दवाई या जो भी सेवा हॉस्पिटल में देना चाहे, तो उनका स्वागत है। उनके सहयोग से ही खाचरोद में सभी खाचरोद वासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा, जिससे खाचरोद वासियों को कभी भी इलाज के अभाव में बाहर न जाना पड़े और मदद उनको कम पैसों में इलाज मिल सके। उज्जैन से शंभु राठौर की रिपोर्ट। पहले महाशिवरात्रि की सबको बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आज हम सब लोग इकट्ठे इस चीज़ के लिए हुए हैं कि आज शिवरात्रि के दिन से मैं कुछ एक नई चीज़ चालू करने वाला हूँ। इसमें हम 20 रुपए की OPD चालू करेंगे। वो ड्यूटी टाइम के बाद रहेगा। शाम के टाइम में 3 घंटे में सेवा दूंगा खाचरोद की जनता के लिए, गांव आसपास के गांव के लोगों के लिए, और वो हमारी OPD रहेगी 20 रुपए की। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग गरीब जो अपने इलाज नहीं करा पाते हैं, बुखार आती है, सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट जो रहते हैं या अदर किसी तरह की बीमारी जो रहती है, उनको मोटा पैसा देना पड़ता है। और यहाँ के बाकी क्लिनिक्स वगैरह में जहाँ दिखाते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो जाँचें वगैरह होती है, तो उनको कम से कम 1,000-500 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि शाम के टाइम में 20 रुपये की OPD में अपने ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके लिए मुझे जन सहयोग की आवश्यकता भी है। जैसे कोई अगर दवाई देना चाहता है वितरण करने के लिए, अपनी मेडिसिन वगैरह, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरा सहयोग देना चाहता है, तो लोग आके मेरे से मिल सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से 100% देने की। और साथ ही साथ मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के थोड़ा सा हिस्सा ले इसमें और मेरा सहयोग करें। जो भी लोग सेवा देना चाहते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे हम, प्रॉपर कार्य करेंगे इसमें। सर, ये जो आप हल्के अंदर नहीं, वो हॉस्पिटल में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि शाम के टाइम में तो OPD बंद रहेगी। बाकी उसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट किया है 1-2 लोगों से, तो वो भी अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो मेरा कहना यही है कि 100-150 रुपये में उसका पूरा इलाज हो जाए। मतलब जिस प्रकार से एक सर्दी खांसी का अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, और यदि यहाँ पे सिविल अस्पताल में अगर उपस्थिति नहीं मिलती है डॉक्टर की और वो बाहर जाता है, तो कम से कम 500-700 रुपये उसके लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इलाज कितने में हो जाएगा लगभग? अपना यहाँ पे इलाज मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये लास्टली कोशिश रहेगी। इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम प्रॉपर देखेंगे, और कोशिश ये रहेगी कम से कम 100 रुपीज़ में उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाए। आपका प्रयास ये है कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जो जिस प्रकार से चिकित्सा के अंदर लूटा जा रहा है, उस पे लूट पे थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा अंकुश लगेगा। और गांव में जो क्लिनिक वगैरह जो खोल रखे हैं लोगों ने, उस पे भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा अंकुश लगे, और प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह भी होना चाहिए। पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। 200 रुपये में आप क्या क्या सुविधा पेशेंट को, उसमें अपने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे सारे, उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन उसके होने हैं, टाइफाइड मलेरिया CBC वगैरह, उसमें मेडिसिंस भी आ जाएगी, और 20 रुपीज़ की फ़ीस रहेगी। और वो भी जो भी फीस वगैरह रहेगी वो वहाँ के स्टाफ के लिए जो रखेंगे वो उनके लिए जाएगा, मैं अपनी तरफ से रुपया भी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। पेशेंट को सारी दवाइयाँ अस्पताल से मिलेगी? अस्पताल से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बाहर से मैं कोऑर्डिनेट किया हूँ। जो भी जन सहयोग देना चाहेंगे वो, और 1-2 लोगों ने मेरे को